मुख्तसर टाइम है सवाब दिखातेर ये मुख्तसर पढ़ना तो कुछ और ही टाइम जरा मुख्तसर मिल रहा है तो मैं अपना जरा जहनी तखयल है कोई बस कर छोड़े जो सोच के ऐसे उपड़ देनी से मैं दसना यह चाहना तुसा जो आए बैठे वे पढ़ते मैं उर्दू चाहते मैं सरेकिश पिया पढ़ना बानिया का हुक्म है तुहाडा आवण दा मेरे पढ़न दा तुहाडे सुनन दा सवाब कितना है। पहले ता मासूम अलैहिस्सलाम दा जेरा जिक्र है मासूम फरमाने नफसुल महमूम ले जुल्म ना तस्बीह तस्बीह दा तो पता लगता है ना कुरान दी आयत पढ़दे हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज जेरी जेरी चीज कायनात च मौजूद है ओ अल्लाह दी तस्बीह बयान करें दिए और जो आसमान आते व मा फिस समावाति व मा फिस समावाति यानी जो चीज भी आसमान आते है ओ भी अल्लाह दी तस्बीह करें दिए तस्बीह करें दिए जबान नाल तस्बी फकत जबान नाल नहीं जबान को हरकत देवनी पौंदी है हरकत दे वास्ते इरादे दा होना जरूरी है अगर इरादा नहीं अजाओ जवाहरे किधाई भी हरकत विच आ नहीं सकते यानी सब तू पहले इरादा इरादे तू बाद जबान जबान दा इस्तेमाल उंदे तू बाद जबान दी हरकत जब तक बोलो ना जिक्र हो नहीं सकता तस्बी पढ़ी नहीं वही सकती लेकिन आओ कैनात च अल्लाह दा जिक्र भावे जमीन आते भावे आसमान आते थी दाए उंदे वास्ते जबान दा होना जरूरी है लेकिन हुसैन दा मुहम्मद आले मुहम्मद दा चौधां दा जिक्र ऐसा है जैदे विच ना जबान दी जरूरत है ना इरादे दी जरूरत है हे किस दी जरूरत नफसुल महमूम ले जुल्मेना जेरा बंदा भी साडे गम दे विच जितने जुल्म साडे ते थैन उन्ना दे विच उन्ना गम्मा को याद करके अपना चेहरा गम भरा चा बनावे अल्लाह उदे बारे मासूम फरमाने तस्बीह हुन ओ साडे जिक्र च बह के जबान न चलावे फकत अपने चेहरे ते गम दे आसार गिनावे अल्लाह तस्बीह लिख दे अल्लाह तस्बीह लिख दे मासूम तो पूछा गया अलामा बाकर में जलसी अपनी बिहार उल अनवार च लिखा है मासूम तो पूछा गया इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा यानी अल्लाह पियादे मैं अल्लाह भी मुहम्मद आले मुहम्मद ते दरूद भी देना फरिश्ते भी भेजेन तुसा भी भेजो फरिश्तियां दे बारे है क्या छठे इमाम तो पूछा गया मौला जडा ये सारी कैनात फरिश्ते भी इंसान भी अल्लाह इंसाना को हुक्म दावत दे के आधा पी आए कि तुसा भी मुहम्मद आले मुहम्मद ते तस्बी पढ़ा करो दरूद पढ़ा करो ए दरूद जरे वेले पढ़ते चलो इंसान ता पढ़ते ओ सवाब लिखी सी लेकिन फरिश्ते जरे वेले पढ़ते ओ ता खाल की इस वजह ते थैन जो सजदे जिन ता सजदे तू सार नीचे दे रकू छिन ता रकू चू हटते नहीं अगर कयाम ही चिंता कयाम ही चो बस नहीं करें दे ते उन्ना दे बारे ला यग्फिलूना अनिल वाला है इलायक फरिश्तियां दा काम ए है कि नहीं भी अल्लाह दी याद तू गाफिल नहीं हो दे मासूम कोल पूछा गया जदा गाफिल ही नहीं हो दे जदा तुसा चौधा दे उते ओ दरूद पढ़ दे ना अल्लाह दा जिक्र ता नहीं करें दे ओ गाफिल ता थी गए उस वक्त मासूम अपने तौहीद ए सीना गंजीना दे इशारा करके फरमांदा है गौर नाल सुन अल्लाह जदा हुक्म दिता है उस वेले हुक्म लेंदे होए अल्लाह ने ऐलान कीता फरिश्तो तुसा चौधा ते दरूद भी जाए मैं अल्लाह तस्बीह अपनी लिखसा मैं अपनी तस्बीह शुमार करे सा थोड़ा जी तस्बीह ते भी बहुत सारा पढ़ना जेरा तुसा सुना ना देवे मासूम फरमेंदे जेरे पढ़ते हैं ते सुनते हैं इन्हों का सवाब क्या है मन ज़ाकरा फजीलतम मिन फजाइल अली इब्न अबी तालिब कोई बंदा भी अली दे फजाइलां चू हिक फजाइल
बयान चा करे एक फजाइल बयान चा करे थींदा के गाफर अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बही व मा ताखरा मासूम फरमांदा है कोई भी साडे दादे अली दे फजाइल दे विचों एक फजीलत मिंबर ते पढ़ के मोमना ते मोमिनात को सुनावे चा अल्लाह उंदे अगले पिछले गुनाह माफ कर देंदा है लाऊं दे अगले पिछले गुनाह माफ करने दे एक सलवात पढ़ें एता है सुनन लेकिन देखो एक अगर दिक्कत ते गौर करो फजीलत पढ़न नाल पिछले अगले गुनाह माफ अगले अजा कीते नहीं ओ भी माफ चलो पिछले ते कीती खड़ाई अगले अजा अंजाम नहीं दीते मासूम फरमांदे ओ भी माफ लेकिन जेरे गुनाह सदियां बंदा इंसान सजदे च माथा रगड़ रगड़ के गुनाह माफ करवें दे उत्था सदियां लगवें दे मासूम दे फजाइल जी का फजीलत बयान च करो गुनाह माफ जे रहा तुसा सुना ना इन्हां दा क्या सवाब है मनिस्तामा जे रहा सुने मनिस्तामा फजीलत मिल फजाइल अली इब्न अबी तालिब जेरा अली दे फजाइल चू एक फजीलत को सुने चा मनिस्तामा एक साडी जेरे साहिब इल्म बैठे उन्हें को पता है थोड़ी इल्मी गुफ्तगु है इस्तामा जना बाब इस्तिफाल च मने सर्फ है अदबियात जेको अदबियात अरबाद है कुरान वास्ते समझण वास्ते जरूरी है इस्तामा जड़ा बाब इस्तिफाल च मने तलब तवज्जो दा माना देंदा है यानी तवज्जो ते गौर नाल अली दे फजाइल चू एक फजीलत सुन गिनो मैं मस्जिद दे विच में अपने उस्ताद दे मोहतरम कोल पूछा मुअज्जम कोल पूछा उस्ताद जी ए तलब इस्तेमा दा क्या माना है असा तई कुछ देर ईमान च इस्तेमाल करें सर्फ च मौला उस जे मौला इस क्या आखना चाहन यानी मौला का जो फरमान है तला पे इस्तेमा हो तवज्जो नाल ते गौर नाल सुनो ए तवज्जो ते गौर दा इत्था माना क्या है उस्ताद ने मोहतरम फरमाए रशीदुल हसन इदा इत्था माना ए है तुस अली दे फजाइल इवे सुनो जिमें इंसान नमाज पढ़द नमाज च क्या होंगे नमाज च क्या होंगे या फुरादा होंगी है या इजतमाई होंगी है जमात इजतमा ते फुरादा फुरादा इत बंदा कला पढ़ दे चुप करके आराम नाल पढ़ दे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ दे इजतमा जमात इज क्या होंगे कुछ जमात इज पेश इमाम पढ़ दे कुछ पिछू वाले पढ़ दे बस अली दे फजाइल जड़ा भी पेश कीते मने कुछ जाकर बोले बोले करो ए फरीज है होता क्या है मनिस्तामा फजीलत मिन फजाइल अली इब्न अबी तालिब अगर कोई बंदा अली दे फजाइल चू एक फजीलत को सुने चा थींदा क्या है गाफर अल्लाह एक तासा बहाल इस्तमा मसूम फरमेने अली दे फजीलता चू एक फजीलत बंदा गौर नाल सुने चा मसूम फरमेने अल्लाह उन्दे कान दे सारे गुनाह कीते हुए माफ कर देंदा है ए सुनंदा हुन आओ जेरा लिखदा है मन काताबा फजीलत मिन फजाइल अली इब्न अबी तालिब जेरा बंदा अली दे फजाइल को लिखदा है उंदा क्या सवाब है गाफर अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बही मा तकद्दम व मा ताखरा कुल्लु अर्शिल मलाइका या मलाइका मलाइका अल्लाह मलाइका को देख के फरमाते हैं मलाइका जब तक इस बंदे दी तहरीर किताबा दे विच मौजूद रहवे चाहे दरियावां च लुढ़ वंजे किथें भी कोई वरका इंदा लिखा होया पिया होवे किताब ते नक्श होवे किताब ते मकतूब होवे तुसा सारे फरिश्ते इंदे वास्ते मगफरत दी दुआ करो अली दे फजाइल लिखण एक मैं आखिरी जुमला आखा चाह जेरा बंदा अली दे फजाइल लिखा पे फजाइल अमीर उल मोमिनीन जदीद गा शिया व आम है तसन्नुन सुन्नी और शिया दी किताबा चू अली दे फजाइल उंदा क्या है देखण दा क्या है मासूम फरमाए मन नजरा इला फजीलत मिन फजाइल अली इब्न अबी तालिब जेरा बंदा अली दे फजाइल ते एक निगाह चा करे एक निगाह चा करे गाफर अल्लाह एक तासब हन नजरो अल्लाह उंदे आख दे सारे गुनाह माफ करने दे उंदे सारे गुनाह माफ करने दे बस कम टाइम जरा मिले
उनके मुताबिक पढ़ना बहुत कुछ है। ये फजीलत अली इब्न अबी तालिब दे फजाइल दी मसाइब दी जन मैं पहली एक हदीस पढ़ी है उनका एक जुमला रह गया हा वहम्मुहू लना इबादतुन असा चौदहां दे गम विच बह के गम मनावना भी इबादत है। मैं एक जुमला आखसा इंसान इबादत करें दे मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून अल्लाह आदम इंसाना को खल्क नहीं कीता मगर अपनी इबादत वास्ते जिन होवन ते भावें इंस उन्हें को खल्क कीता अपनी इबादत वास्ते मासूम फरमेन यानी जदा इंसान दी इल्ला ते तखलीक इल्ला ते खिलकत हे भी इबादत यानी अल्लाह को झुकना यानी अल्लाह को सजदा करना इबादत असा नमाज को याद है रोजे को याद है ना इज्जत हैदर दी कसम मासूम फरमेन फकत ए इबादत नहीं जदा नमाज पढ़ सो वजू की जरूरत जदा काबे का तवाफ करे सो पानी की जरूरत वजू की जरूरत लेकिन आ सारे चौदह के जिक्र बह गए तू मसाइब बह के अपनी शक्ल बना चा अल्लाह ओ भी सारा लाजा इबादत लिखसी वहम्मुहू लना इबादतुन इबादत जिन्हां दा मुसीबत भी इबादत फजाइलां दा तो मैं कुछ बयान ही ना कर सका रोमना नहीं फकत शक्ल बनावना भी इबादत इवें इबादत बन गई है। इबादत लई मुहम्मद वाले मुहम्मद खर्ची बहु की थे इतना खर्च थे जवान दिते मेहमान दिते नादान दिते करबला दे मैदान इमाम हुसैन एक ऐसा सगीर दिता है जिंदा खून दी जहते शीर बुरदा रहे हे कहें दा जिगर जितना ही कोई शुजात आला होवे अबहत आला होवे जितने ही दिलैर ते बहादुर होवे जवान दी मौत औखी होंदी है लेकिन मासूम दी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता मत मामा दा क्या जिगर जेने दर खैमे ते देख दियां रहीं कमीने तीर मारा है रुबाब देख दी रही है इज्जत हैदर दी कसम दू या चार मिनट मसाइब दे चंद जुमले पढ़सा मैं पूरी शहादत पढ़ी नहीं संगनी टाइम ही कहनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सगीर को चा के मैदान करबला खड़ाई इमाम दी आवाज़ आंदी असगरा मेरी गुरबत दी गवाही दे मेरी गुरबत दी गवाही दे उस वेले सगीर दे लब मुतहरक होए अकल मार के आदे बाबा किवें गवाही देवा सैयद आदे बचड़ा इन गवाही दे जिमें मेरी माँ मुबालच दिती आई सैयद आदे इन गवाही दे जिमें समाद नाल दरबार गया से इज्जत दर दी कसम जदा हुसैन सुनाए हुसैन दियां अखां नहीं सावण दे बदल बन गए न अकल मार के आदे नसगरा मेरी गुरबत दी गवाही दे कमीने देह दे खड़े न असगर दी आवाज आंदी बाबा वो मिन्नत ला एक गाल दसा सैयद आदे पूछ आदे अगर मुबहला ली गवाही देवनी है हाथों ते जा अगर दरबार दी गवाही देवनी है वत जमीन ते समा मेरा इमाम आदे असगरा जमीन ते क्यों सुमावा सैयद आदे मेरी दादी जडा मुबहला च गई है यो मकामा तू ही दी गवाह बन के गई है जडा दरबार गई है ओ त्राए घंटे खड़ी रही आदि रही मैं मुहम्मद दी दिया मैं
मेरे बाबे दा मिंबर मेरी दादी दी मजलूमियत ही इज्जत है दर्दी कसम है सैयदा दे मेरी मजलूमियत दी गवाही भी दे और मेरा मकाम ही दसा सैयदा दे वत में कुछ जमीन ते समा भाई जान मेरे इमाम ने असगर को जमीन ते समाया है जला जमीन ते समाया है कैरी आला ते सत कदम मेरे इमाम ने पिछा चैन जल्दी दे नाल मेरे इमाम ने असगर को वापस जाया है औलमा लिख दिन समावण ते चावण दा मतलब क्या है औलमा दिन समाया सी मजलूमियत रसावण वास्ते चाया सी जो पुत्र दा तड़पना बर्दाश्त नहीं होंदा जेरे वेले सुमाया सी ऊं वेले ता प्यास दी शिद्दत दी वजह तू असगर दा खून खुश्क पिया होंदा जल्ला जमीन करबला ते समाया है उस वेले असगर दा जिस्म जलन लग गया है सैयदा दे असगर करबला दी जमीन गरम है ओ तेरा जिस्म